वितान भाग दो प्रथम अध्याय सिल्वर वेडिंग। पिछले कई दिनों से लगातार इसी अध्याय को हम पढ़ते आ रहे हैं और अच्छा लगता है। यहाँ तक हम इसे पहले कर चुके हैं, इससे आगे शुरू करते हैं। यशोधर बाबू कभी कभी मन ही मन स्वीकार करते हैं कि दुनियादारी में बीवी बच्चे उनके अधिक सुलझे हुए हो सकते हैं, लेकिन दो के चार करने वाली दुनिया ही उन्हें कहाँ मंजूर है। जो उसकी रीत मंजूर करें, दुनियादारी के हिसाब से बच्चों का यह कहना सही हो सकता है कि बब्बा ने DDA फ्लैट के लिए पैसा न भर के भयंकर भूल की है, किंतु समहाउ यशोधर बाबू को किशनदा की यह उक्ति अब भी जंचती है। मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, सयाने उनमें रहते हैं, जब तक सरकारी नौकरी तब तक सरकारी क्वार्टर, रिटायर होने पर गांव का पुश्तैनी घर। बस पुश्तैनी होता पैतृक, यानी कि पूर्वजों से प्राप्त। गांव का पुश्तैनी घर टूट फूट चुका है और उस पर इतने लोगों का हक है कि वहां जाकर बसना होता निवास करना, मरम्मत की जिम्मेदारी ओढ़ना। जिम्मेदारी ओढ़ने से अभिप्राय जिम्मेदारी लेना, उत्तरदायित्व निभाना, और बेकार के झगड़े मोल लेना होगा। इस बात को यशोधर जी अच्छी तरह समझते हैं। बच्चे बहस में जब यह तर्क दोहराते हैं तब उनसे कोई जवाब देते नहीं बनता। उन्होंने हमेशा यही कल्पना की थी कि आज भी करते हैं कि उनका कोई लड़का रिटायर होने से पहले सरकारी नौकरी में आ जाएगा और क्वार्टर उनके परिवार के पास बना रह सकेगा। अब भी पत्नी द्वारा भविष्य का प्रश्न उठाए जाने पर यशोधर बाबू इस संभावना को रेखांकित कर देते हैं। जब पत्नी कहती है अगर ऐसा नहीं हुआ तो आदमी को तो हर तरह से सोचना चाहिए, तब यशोधर बाबू टिप्पणी करते हैं कि सब तरह से सोचने वाले हमारी बिरादरी में नहीं होते हैं, उसमें तो एक की तरह से सोचने वाले होते हैं, कहते हैं और कहकर लगभग नकली सी हंसी हंसते हैं। जितना ही इस लोक की जिंदगी यशोधर बाबू को यह नकली हंसी हंसने के लिए बाध्य होता मजबूर करना बाध्य कर रही है, उतना ही वह परलोक के बारे में उत्साही होने का यत्न कर रहे हैं। यत्न होता प्रयास करना। तो उन्होंने बिड़ला मंदिर की ओर तेज कदम बढ़ाए, लक्ष्मी नारायण के आगे हाथ जोड़े। आशिक का फूल होता है जो भगवान के चरणों में अर्पित जो फूल होते हैं उन्हें आशीर्वाद के रूप में प्राप्त करना। चुटिया में खोंसा होता लगाना और पीछे से उस प्रांगण में जा पूछे जहाँ एक महात्मा जी गीता पर प्रवचन कर रहे थे। अफसोस आज प्रवचन सुनने में यशोधर जी का मन खास लगा नहीं। सच तो यह है कि वह भीतर से बहुत ज़्यादा धार्मिक अथवा कर्मकांडी है नहीं। कर्मकांडी क्या होता है? पूजा पाठी। हाँ, इस संबंध में अपने मर्यादा पुरुष क्या होता है? परंपरा एवं आस्थाओं को पर चलने वाले व्यक्ति। मर्यादा पुरुष किशनदा द्वारा स्थापित मानक हमेशा उनके सामने रहे हैं। जैसे जैसे उम्र डल रही है वैसे वैसे वह भी किशनदा की तरह रोज मंदिर जाने, संध्या पूजा करने और गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें पढ़ने का यत्न करने लगे हैं। अगर कभी उनका मन शिकायत करता कि इस सब में लग नहीं पा रहा हूँ तब उसे कहते कि भाई लगना चाहिए। अब तो माया मोह के साथ साथ भगवत भजन को भी उच्च स्थान देना होगा कि नहीं? भगवत भजन यानी कि भगवान के भजन, भगवान की आराधना करना। नई पीढ़ी को देकर राजपाट तुम लोग जाओ बाट वन प्रदेश के। बाट क्या होता है? कंकीला, जो ऐसा रास्ता जहाँ पर कंकर कांटे इत्यादि होते हैं, यानी कि दुर्गम रास्ता, संकरा रास्ता या पगडंडी भी बोल सकते हैं, कठिन रास्ता भी बोल सकते हैं। जो करते हैं जैसा करते हैं करें, हमें तो अब इस वर्ल्ड की नहीं, उसकी, इस लाइफ की नहीं,
उसकी चिंता करनी है। वैसे अगर बच्चे सलाह मांगे, अनुभव को आदर करें तो अच्छा लगता है। अब नहीं मांगते तो न मांगे।